We are called to be descendants of our fathers. और हमें our ancestors who paid the price and some of them gave their very life for it. और हमें अपने पूर्वजों के वंश होने के लिए बुलाया गया है जिन्होंने अपने समय में सच्चाई के लिए अपने प्राणों को भी दे दिया. I want to bring us an example from the Old Testament. और पुराने नियम से एक उदाहरण को देखेंगे. The example is from the book of Judges chapter 7 and the example of Gideon. और गिदोन का उदाहरण न्याय की पुस्तक से. Some of us have heard it so many times, innumerable times. और कईयों ने ये बहुत बार सुना है. Just of one particular aspect the Lord is prompting me to share with us. और इसका एक विशेष भाग जो परमेश्वर मुझे उत्साहित. It turned to chapter 7 to save time. और न्याय उसके सातवें अध्याय की तरह जब हम मुड़ेंगे. You know, there we find, you know, how God, you know, raised up Gideon. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने गिदोन को in chapter 6, for want of time we won't read that. Israel had been oppressed by the Midianites. और इस्राएली लोगों को दबाव था, सताया जा रहा था मिदानियों के द्वारा. Yes. Anything that you know they could have to sustain them, the enemy snatches away from them. और कोई भी चीज उनके पालन पोषण या जीवित रहने के लिए जो उनके पास थी शत्रु उससे छीन लेता था. यू नो एंड गॉड अपीयर्ड अनटू गिदियन. और परमेश्वर प्रकट हुआ गिदोन को. एंड गेव हिम अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और एक जिम्मेवारी उसे दी. टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द एनिमी. शत्रु के विरुद्ध तू युद्ध लड़. एंड डिलीवर गॉड्स पीपल. परमेश्वर के लोगों को तू छुड़ा. द एनिमी दैट वाज स्टीलिंग एवरी प्रोविजन ऑफ गॉड फॉर गॉड्स पीपल. और वो शत्रु जो परमेश्वर का हर एक प्रबंध परमेश्वर के लोगों के लिए था उसको चोरी कर रहा था. And so when we turn to chapter 7, और जब हम सातवें अध्याय की तरफ आते हैं, you know, the Lord told him to do something. और परमेश्वर ने गिदोन को कुछ कार्य करने के लिए बोला. Verse 2, दूसरा वचन. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give Midianites into their hands, lest Israel ward themselves against me, saying, mine own hand hath saved me. तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इसराइल ये कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेगा कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे गए. You know, so the Lord told him to gather people so that he could go against the enemy. परमेश्वर ने गिदोन को निर्देश दिया कि लोगों को एकत्र कर ताकि तू शत्रु के विरुद्ध जा सके. Yes. He blew the trumpet. और उसने नरसिंगे को फूका. And many gathered unto himself. और कई लोग उसके पास एकत्र हुए. That's what the Lord told him. और वही प्रभु ने to gather the people to go against the enemy. कि वही प्रभु ने कहा था कि लोगों को एकत्र कर शत्रु के विरुद्ध जाने के लिए. You know, so he began to muster or enroll people into his army. और तब उसने अपनी सेना में लोगों को भर्ती करना शुरू करा. And what happened was too many responded. और हुआ क्या? बहुत अधिक संख्या में लोगों ने प्रत्युत्तर दिया. Yes. Many people responded to him. बहुत सारे लोगों ने प्रत्युत्तर दिया. Yes. The people were many. और बहुत अधिक संख्या में लोग थे. You know, he was enrolling people for the army. और वो सेना में लोगों को भर्ती कर रहा था. But the Lord said they are too many. लेकिन प्रभु कहता है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है. Yes. He was mustering, he was enrolling people in his army. और वो लोगों को जोड़ रहा था, ले रहा था, भर्ती कर रहा था सेना में अपने.
When you look at Israel, जब आप इसराइल को देखेंगे, considering the number of Israel, not many responded, of course. और इसराइल की संख्या को अगर आप देखेंगे तो उसके संदर्भ में ये भर्ती हुए लोगों की संख्या कुछ ज्यादा नहीं थी. But according to God, it was too many. लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा थी. Amen. And so the Lord said in verse 3, therefore go to proclaim the years of the people, saying, whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Mount Gilead. And there returned of the people 20,000, and there remained 10,000. और तीसरे वचन में, इसलिए तू जाकर लोगों से ये प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता है वह गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए. तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए. तो कितना है टोटल? कितना है टोटल? 32,000 पीपल रेस्पॉन्डेड. 22 were sent away, 10 remain. 32,000 लोगों ने प्रति उत्तर दिया. 22,000 लोग घोषणा के बाद लौट गए. 10,000 बचे. Amen. And the number of the Midianites और मिद्यानी 135,000. और मिद्यानी 1,35,000. मिद्यानी लोगों की संख्या 135,000 थी. And 32,000 responded. God said, "This is too many." और 32,000 ने उसके प्रति उत्तर में उत्तर दिया. प्रभु ने कहा, ये ज्यादा है संख्या. Amen. Gideon had to trust God. गिदोन को परमेश्वर पर भरोसा करना था. Amen. See, now this is very important even in our lives. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है हमारे जीवन में भी. And God looked at Gideon's little army and said, "These are too many, Gideon." और परमेश्वर ने गिदोन की थोड़ी सी सेना को देखकर बोला, "हे गिदोन, ये ज्यादा संख्या है तेरे पास." Today, when you look at और आज अगर आप देखें, एवरी क्रिश्चियन मिनिस्ट्री एंड लीडर इज ट्राइंग टू एनरोल एज मेनी एज पॉसिबल. और हर एक मसीह प्रचारक अधिक से अधिक सेवकाई के लिए लोगों को अपने पास भर्ती करना चाहता है. सेवकाई, हाँ ठीक है, सेवकाई भी बोलो. Everywhere leadership is trying to enroll as many members as possible in their churches. और अपनी कलीसिया के अंदर प्रचारक अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ना चाहते हैं. Why? For what? किस लिए? And all they will say, to fight against the enemy. ये नहीं कि शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए. Yeah, they all will say. वो सारे कहेंगे कि हम शत्रु के विरुद्ध लड़ेंगे. That's why we are enlisting so many people. We need to stand. We need to fight against the enemy. We have to do a lot of war. और वो कहेंगे कि हमने शत्रु के विरुद्ध लड़ना है, उसके लिए बहुत संख्या चाहिए, इसलिए लोगों को जोड़ रहे, सदस्य बना रहे. While you know many are mobilizing, God comes and demobilizes you. और कई ऐसे बड़े प्रबंध करते हैं और चीजों को जोड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को तहस नहस कर देता. दिस इज व्हाट हैपेंड विद गिदियन. और वही गिदोन के साथ हुआ. व्हेन गिदियन ट्राइड टू मोबिलाइज, गॉड केम इन एंड सेड, आई नीड टू डीमोबिलाइज यू नाउ गिदियन. और जब टू मेनी पीपल, जब गिदोन ने लोगों को एकत्र करना शुरू करा, परमेश्वर ने आके कहा, ये बहुत ज्यादा है, और उन्हें बिखेर दिया. So 22,000 people, he went and spoke in their ears. और 22,000 लोग लौट गए और उन्होंने कानों में बोला, "You might die in the battle." तुम हो सकता है युद्ध में मर जाओ. And lose all in your life. और अपने जीवन में सब कुछ खो दो. अच्छा ऐसे है? तो मैं जा रहा हूं भाई. If that's the thing, I don't want to be part of this church. और हम उत्तर दे सकते हैं ऐसा सुनकर, अगर ये बात है तो मैं तो जो लौट रहा हूं.
22,000 went away. 22,000 लोग लौट गए. 10,000 still stayed back, said, "We are strong enough. We'll face the enemy." और अब 10,000 लोग बच गए. उन्होंने कहा, हम बहुत कड़ाई के साथ मजबूती से शत्रु का सामना करेंगे. Verse 4, and the Lord said unto Gideon, "The people are yet too many. Bring them down under the water. I will try them for thee there." And I love that scripture. "I will try them for thee there." It is God Himself. और चौथे वचन में जैसे लिखा है कि उन्हें पानी के सोते के पास लेके आ और मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा. यस. गिडियन डिड नो व्हाट टू डू. और गिदोन को सूझा नहीं क्या करे. गॉड सेड आई विल डू इट. और परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा. Earlier Gideon was told to go and tell in the ears of people. Now the Lord said, "Gideon, don't worry, I will do it myself. I will make your job lesser." और पहले गिदोन को जाकर बोलना पड़ा, लेकिन अब परमेश्वर कहता है तू ये सब कार्य मत कर, मैं ये करूंगा. I will do it myself. मैं खुद ये कार्य करूंगा. God singled out the ones that would go with Gideon. परमेश्वर ने उन लोगों को छांट लिया जो गिदोन के साथ जाएंगे. यस. गॉड वुड सिंगल आउट हु वुड क्वालिफाई फॉर हिज आर्मी. परमेश्वर, आई विल डू इट फॉर यू गिदियन. परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेगा जो उसकी सेना में जाने के लिए योग्य हैं. Yes, and we know as you read through the verses. और हम जानते हैं जैसे वचन पढ़ेंगे. You know, and verse 6, and the number of them that lapped putting their hand to their mouth were 300 men, but all the rest of the people bowed down upon their knees to drink the water. And the Lord said unto Gideon, "By the 300 men that lapped will I save you and deliver the Midianites into thine hand, and all the other people go every man unto his place." So we see here very clearly. और इन वचनों में इस प्रकार से देखते हैं हम. God took control. परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति को अपने हाथों में ले लिया. Gideon, you don't have to mobilize. I will take care of it now. और परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है कि दौर तुझे परिश्रम करने की जरूरत नहीं. The 300 who are left with you, this way I will get all the glory. लेकिन 300 व्यक्ति जो इस तरह से अब तेरे पास बचे हैं, उनके द्वारा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा. And you know that Gideon's little army is likened to a barley loaf as we read further on. और यहां पर हम देखते हैं कि गिदोन की वो छोटी सी सेना यहां पर एक रोटी की मानिंद है. Yes, we read that in the following verses here. और you know, for want of time, I'm not getting into all that. Verse 7 and verse 9. Yeah. Barley cake. अनाज की छोटी रोटी की तरह. Yes. बार्ली की रोटी की तरह. Yeah, okay, for want of time, I won't get into all that. You can read verses from 9 onwards, you will see that. So we see here very clearly. और स्पष्ट रीति से देखते हैं. The army is likened to a barley loaf. और वो सेना एक छोटी सी अनाज की रोटी की तरह, बिल्कुल. What do you mean by loaf of bread? और एक रोटी के टुकड़ा या the रोटी होने की नाते. The army is likened to a bread of barley. और एक वहां पर एक रोटी की मानिंद सेना, क्या अर्थ है इसका? ऐसे करेगा तो सूख जाएगा ना. इट्स सो फ्लिम्सी. और कितनी वो बिल्कुल नाजुक. ब्रेड, हैव यू टेकन सीन लाइक दिस? सो द आर्मी ऑफ गिडियन वाज सो फ्लिम्सी, फ्रजाइल. और गिदोन की सेना इतनी थोड़ी, छोटी और भंगुर, आसानी से टूटने वाली. कैन यू एवर इमेजिन सच ए फ्लिम्सी
army could destroy the mighty Midianites of 135,000? और ये 300 It would need imagination. Even imagination can't do it. लोग थोड़े से ये लोग क्या आप सोच सकते हैं जो निर्बल और टूट सकते हैं किसी भी समय 135,000 मिदोनियों की सेना को प्रबल कर सकते हैं. Saints, this is the God of our fathers. प्रियो ये हमारे पिता या पूर्वजों का परमेश्वर है. How we need to know Him and learn His ways in our lives. कितना हमें in our day-to-day lives. कितना हमें उसे जानने की जरूरत है और उसके मार्गों और नियमों को अपने प्रतिदिन के जीवन में. How much we need to stand with Him in this hour. और इस घड़ी में कितना हमने परमेश्वर के साथ खड़े होना है. Amen. Simpson, men like Tozer, men like Wesley, you know, all these men, our ancestors, they trusted in the God of Gideon. और इन सारे सिम्पसन ने, लूथर ने, मार्टिन ने, सारे परमेश्वर के भक्तों ने और इस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करा. Amen. I feel very sad. और मैं बहुत When we look at the 21st century. और मैं बहुत ही निराश हो जाता हूं जब मैं 21वीं शताब्दी को देखता हूं. Has God changed? क्या परमेश्वर बदल गया? Never. नहीं. Oh, may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. May God help us. परमेश्वर हमारी